नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं डेली डिफेंस करंट और फॉरेन अपडेट लाता रहता हूं। भारत को अपने लड़ाकू जेट बनाने के लिए ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने जानकारी और रक्षा उपकरणों की तेज़ी से डिलीवरी में मदद की पेशकश की है। ब्रिटेन का कहना है कि वो भारत को लड़ाकू विमानों के निर्माण पर जानकारी प्रदान करेगा। यह प्रस्ताव ऐसे समय पर आया है जब पश्चिमी देश भारत को रूस से दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। इस प्रस्ताव को ब्रिटेन द्वारा अपनी रक्षा जरूरतों के लिए रूस पर भारत की निर्भरता को दूर करने के लिए कोशों के तौर पर देखा जा रहा है। भारत रूस से स्पेयर पार्ट्स सहित रक्षा उपकरणों का एक बड़ा हिस्सा आयात करता है। अपने भारतीय समक्ष नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता के दौरान जॉनसन ने भारत के साथ व्यापार और सुरक्षा संबंधों को बढ़ावा देने के तरीकों पर चर्चा की है, जो रूस से अपने आधे से अधिक सैन्य हार्डवेयर खरीदता है। ब्रिटेन नए भारतीय डिजाइन और निर्मित लड़ाकू जेट के लिए समर्थन करेगा, जो युद्ध जीतने वाले विमानों के निर्माण पर सर्वश्रेष्ठ ब्रिटिश जानकारी प्रदान करेगा। दोनों नेताओं ने रक्षा और सुरक्षा सहयोग को भारत यूके व्यापक रणनीति साझेदारी के एक प्रमुख तत्व के रूप में बदलने पर सहमति व्यक्त की है और दोनों देशों के सशस्त्र बलों की जरूरतों को पूरा करने के लिए सह उत्पादन सहित रक्षा सहयोग के अवसरों पर चर्चा भी की है। इस कदम से रक्षा क्षेत्र में भारत के मेक इन इंडिया कार्यक्रम के लिए बहुत ही जरूरी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। आपको बताता चलूं, दोनों पक्षों के विशेष रूप से साइबर प्रशासन, साइबर प्रतिरोध और महत्वपूर्ण राष्ट्रीय बुनियादी ढांचे की सुरक्षा के क्षेत्रों में सुरक्षा साइबर पर सहयोग को और गहन करने के लिए संयुक्त बयान जारी किए हैं। वो आतंकवाद और कट्टरवादी उग्रवाद के लगातार खतरे का मुकाबला करने के लिए निकट सहयोग करने पर भी सहमत हुए हैं। दोनों नेताओं ने यूक्रेन रूस संघर्ष पर भी चर्चा की है। आपको बताता चलूं, प्रधानमंत्री मोदी ने बढ़ते मानवीय संकट पर गहरी चिंता व्यक्त की है और हिंसा को तत्काल समाप्त करने के लिए सीधे और कूटनीति पर लौटने के लिए कहा है। एकमात्र रास्ते के रूप में आह्वान उन्होंने दोहराया है। आपको बताता चलूं, गुजरात का दौरा करने के बाद गुरुवार को जॉनसन ने एक बयान में कहा है कि दुनिया को निरंकुश राष्ट्रों से बढ़ते खतरों का सामना करना पड़ रहा है, जो लोकतंत्र को कमजोर करना चाहते हैं, स्वतंत्र और निष्पक्ष व्यापार को रोकना और संप्रभुता को रौंदना चाहते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। जैसे कोई नई अपडेट आती है मैं आपको तुरंत सूचित करूँगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।